हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरकॉन कंपनी के बारे में। दोस्तों, एयरकॉन में आज के दिन एक बहुत ही शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली, एंड जिन जिन लेवल पे हमने लो प्राइस पे एवरेज किया वो सारे लेवल से ऊपर अभी के टाइम स्टॉक निकल चुका है। एवरेज अपना हो चुका है डाउन एंड स्टॉक अपना हो चुका है अप। बजट के दिन जब सब स्टॉक जो है औंधे मुँह हमें गिरते हुए नज़र आते आ रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था कि एयरकॉन में हम नज़र रख सकते हैं, स्टॉक अगेन एक अच्छे लेवल्स पे पहुंच सकेगा। वही चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिली। एयरकॉन ने अभी के टाइम ईएमए पे सपोर्ट लिया एंड वहां से स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया है। 10% तक की एक बहुत ही शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली है। लास्ट 5 डेज़ की बात की जाए तो 7% की गिरावट अभी भी है, बट ओवरऑल अच्छी खासी तेज़ी ने रिकवर भी किया है। 1 मंथ में 10% तक के रिटर्न्स मिले हैं, 6 मंथ में 23%, एंड वही अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 625% तक के रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए। बजट्स के टाइम जब स्टॉक्स में गिरावट हुई थी, टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, 23 जुलाई जहाँ पे बजट था, 12:30 तक ऑलमोस्ट सभी स्टॉक गिर चुके थे 20-20%। जहाँ पे वहाँ पे मैंने आपको अपडेट दिया था कि इस बजट में मैं ओनली फॉर 3 स्टॉक की तरफ जाऊंगा, एयरकॉन, एनबीसीसी, एनएचपीसी। अगर पीएसयू में कोई लेना होगा तो मैं ओनली 3 स्टॉक की तरफ जाऊंगा, ये 3 स्टॉक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आपने इसमें आरवीएनएल नहीं दिया, आईआरएफसी नहीं दिया, टीटागढ़ नहीं दिया, रीज़न क्या है? अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है ना, हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम अपना पैसा जो है सभी स्टॉक में लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड करना भी अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। तो ऑलमोस्ट हमने 3 स्टॉक ऑलमोस्ट व्यू बनाया था मैंने, एयरकॉन, एनबीसीसी, एनएचपीसी। एयरकॉन वहाँ से सभी लेवल ब्रेक करके अच्छे लेवल पे पहुँच चुका है। एनबीसीसी अभी के टाइम बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँच चुका है, उस टाइम 170 पे भी था, 180 पे भी था, अब यहाँ पे उन लेवल से भी ऊपर 187 पे भी पहुँच चुका है। एनएचपीसी की भी टाइम आएगा, ये भी मूवमेंट करेगा। तो आप चाहे लेटेस्ट अपडेट के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अभी का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि जो तेज़ी है, इस तेज़ी के पीछे वजह क्या है। अगर मैं बात करूं, आपका स्टॉक ओपन होता है 277 रुपीज़ तक का लो लगाता है, वहां से 302 रुपीज़ तक का हाई लगाता है। बहुत ही अच्छा खासा हाई हमें देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ आज जो वॉल्यूम्स हुआ है, वॉल्यूम कितना हुआ है, वॉल्यूम यहां पे कम हुआ है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली इस स्टॉक पर चढ़ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम्स हुआ है आपका 3 करोड़ का, जिसमें वैल्यू ऑफ ट्रेड ओनली फॉर 900 करोड़ के ही वैल्यू के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि डिलीवरी उससे भी कम है, मतलब कि ओनली फॉर 20% इक्विटी जो है वो यहाँ पे लोगों ने कल के लिए होल्ड की है, बाकी मैक्सिमम लोगों ने आज की तेजी में जो भी रिटर्न मिला है वो इंट्राडे में लेके निकल गए हैं। तो अब यहाँ पर मेरा आगे क्या व्यू रहेगा, सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि किस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में हमें जंप देखने को मिला। देखिए, पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न चार्ट की, अगर चार्ट की लैंग्वेज में भी देखा जाए तो चार्ट में भी हमें सिंपली दिख रहा है कि स्टॉक ने क्या किया, ईएमए पे सपोर्ट लेके रिवर्सल ले लिया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया एंड अगेन हमें रिवर्सल देखने को मिल चुका है। और दूसरा जो हमें क्या नज़र आ रहा है कि आज हमें एक न्यूज़ देखने को मिली, जिसमें रेलवे फाइनेंशियल जो रेलवे मिनिस्टर से उनकी तरफ से अपडेट आया कि हम रेलवे में सुरक्षा पे, सेफ्टी पे 1,08,000 करोड़ रुपये तक का फंड जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हमें इस स्टॉक में देखने को मिला। टोटल दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ पे कुछ मुझे थोड़े से डाउट लग रहे हैं। अब डाउट किस चीज़ के लग रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है एलोकेट कर रही है फंड 1,08,000 करोड़ तक का, तो ये फंड आकार से रहा है। मेन जो फंड है वो तो आपका 2,62,000 करोड़ का ही है, मेन जो फंड है वो तो आपका 2,62,200 करोड़ का ही है। ये फंड कहाँ से आया, ये इससे ही आया है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेन चीज़ें बजट जो है इसको थोड़ा न्यूज बेस्ड अगर देखा जाए तो ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि 1,08,000 करोड़ अब ये आकाश से रहा, ये आपका जो मेन जो फंड बजट में एलोकेट हुआ था 2,62,000 करोड़ वहीं से आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पहले से ही पड़ चुका है। तो यही चीज़ें यहाँ पे, अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के टाइम यहाँ पर एयरकॉन के सबसे पहले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं कैसे आ सकते हैं, उसके बाद देखेंगे कि चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है।
इरकॉन में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे जाए, एफ आई प्रोमोटर्स की होल्डिंग नॉर्मली सेम टू सेम है। एफ आई वालों ने क्या किया, थोड़ा सा बुक किया है प्रॉफिट को। एंड डी आई वालों की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। डी आई वालों की 1.31 से 2.93% हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। बैलेंस शीट कंपनी की मजबूत हो रही है, उससे ज़्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह कैसा होगा। देखिए यहाँ पे अगर मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्यू एंड क्यू ड्रॉप होगा, प्रॉफिट भी क्यू एंड क्यू ड्रॉप हो सकता है। रीजन क्या है? रीजन दोस्तों सिंपल है, हर टाइम कंपनी का जो क्वार्टर वन का जो रेवेन्यू होता है वो क्वार्टर फोर से कम आता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, क्वार्टर फोर में 2400, क्वार्टर वन में 1100, क्वार्टर फोर में 2900, क्वार्टर वन में 2000, क्वार्टर फोर में 3700, क्वार्टर वन में 2700। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है। 3700 है तो 2700 या फिर 3000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आ सकता है। और उसी के साथ साथ ईयरली वाइज हमें देखना है कि ग्रोथ होती है या नहीं होती है, क्योंकि 2700 है, इससे ऊपर आता है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ यहां पर अगर मैं बात करूं, कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल अच्छे आ सकते हैं, मतलब कि अगर देखा जाए रिजल्ट व्यू के हिसाब से कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली ऑर्डर्स भी अच्छे मिले हैं और उनके ऊपर काम भी अच्छा हुआ है, तो रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। बाकी ये स्टॉक ओवरबॉट नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक इसकी बहुत ही अच्छी है, 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है पी रेशियो 30 का ही है। तो अगर रेलवे में कहीं पे मुझे बताया कि मान लो कि अगर मुझे इसमें रेलवे में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं ओनली फॉर इरकॉन की तरफ जाऊँगा, IRFC की तरफ भी नहीं जाऊँगा, RVNL की तरफ भी नहीं जाऊँगा, भले ही वो फास्ट जंप कर रहा हो, बट मुझे इरकॉन सही लगता है। सेफ स्लो इज बेटर। तो यहाँ पे 30 का ही पी रेशियो है, इस IRB का 66 है, RVNL का 86 है, तो इरकॉन में यहाँ पर पी रेशियो भी कम है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरी बात, अगर आप देखेंगे ग्रोथ जो है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड वो भी सेम है, RVNL का 18 है, इसका भी 18 है, तो ओवरऑल काफ़ी हद तक चीज़ें सेम दिख रही है। डेप्ट की बात की जाए तो डेट यहाँ पर इरकॉन का कम है 0.44, RVNL का कितना है 0.77, तो यही चीज़ है। तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो चार्ट में मैं अब यहाँ पे लेके आया हूँ दोस्तों मंथली कैंडल, कि मंथली कैंडल्स हमें क्या बता रही है मंथली व्यू के हिसाब से। लेवल्स एक बार के लिए ये इसको मैं हटा देता हूँ, ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे तो पहले तो हमें एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला 2019 से लेके 2023 तक। मोमेंटम हमें नज़र आया 2023 के बाद, बहुत तगड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला। RSI क्या बता रहा है, RSI अगर आप देखेंगे तो सभी रेलवे सेक्टर रेलवे स्टॉक का RSI ओवरबॉट है मंथली कैंडल के हिसाब से। 88 इरकॉन का चल रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ RVNL का, RVNL का मंथली कैंडल पे RSI कितना है, पीक पे RSI यहाँ पे चल रहा है 88, इसका भी चल रहा है जो कि टॉप पे है। उसी के साथ साथ अगर मैं IRFC की बात करूँ मंथली कैंडल पे, इसका RSI कितना चल रहा है 81 पे, इसका भी टॉप पे है। वही अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ जुपिटर वैगन का मंथली कैंडल पे RSI इस गिरावट की वजह से थोड़ा सा हल्का हुआ है, उससे पहले कितना था 87 पे, अभी थोड़ा कम हुआ है। अगला स्टॉक है रेलटेल का अगर आप टॉप पे देखेंगे, स्टॉक टॉप पे है, RSI भी पीक पे है। टीटागढ़ का अगर आप देखेंगे, स्टॉक टॉप पे है, RSI भी पीक पे है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मेन चीज क्या है ना, कि जो मैं एक साल पहले पोजिशंस बना रहा था इन स्टॉक्स में, मेन यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना नहीं करना, इन्वेस्ट किया जा सकता है इसमें, ये मेरा पर्सनली व्यू है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे 10-10 हज़ार स्टॉक बाई करता था, जो मैं अपने पोर्टफोलियो का 80% इस एक स्टॉक में लगाता था या फिर पूरे एक ही रेलवे सेक्टर में लगाता था, जो मैं पोर्टफोलियो का 70% लगाता था, 100% कभी कभी मैं लगा दिया करता था यहाँ पे भी, बट अब वो मैं 100% यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चाहे वन डे कैंडल में स्टॉक डाउन आया हो, बट मंथली कैंडल में अभी भी स्टॉक अप है। तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अब मैं पूरा 100% कैपिटल नहीं लगा सकता। लगा सकता हूँ बट सिर्फ 20%, 30%, 15%, ऐसे करके मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे स्टॉक में शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब, लॉन्ग टर्म व्यू स्टॉक बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है आने वाले 2 से 3 साल के लिए, 1000 के लेवल्स भी मुझे दिख सकते हैं। बट अगर मेरा नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी के टाइम हमारी जो एंट्री थी, एवरेज जो एंट्री कहाँ पे निकल के आई है, स्टॉक जब गिरा था 260 के लेवल्स पे आया था, वहाँ पे भी हमने ऐड करने का व्यू बताया था, 290 पे भी ऐड किया, 280 पे भी ऐड किया। ओवरऑल जो अपना एवरेज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 280 का इरकॉन में, आप चाहे तो चेक कर सकते हो टेलीग्राम व्यू के हिसाब से, 280 का अपना एवरेज निकल के आ रहा है। ऐसे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 300।
मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रखूँगा 280 का, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। अगर स्टॉक यहाँ से डाउन आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई लॉस होगा नहीं। यहाँ से स्टॉक में मोमेंटम बनेगा 320-340 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे 340-320 के लेवल्स पे एग्जिट हो जाऊँगा। बट अगर मैं सेफ हूँ तो यहाँ पे मैं 305-310 के रुपीज़ के लेवल्स पे भी एग्जिट हो जाऊँगा। अभी के टाइम यहाँ पर मेन सिंपल यही है, मैं अपना सारा फंड यूज़ नहीं करूँगा। अगर मेरा 100 स्टॉक बाई करने का मूड है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 स्टॉक या 30 स्टॉक ही ऐड करूँगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तेज़ी तो बनी है बट यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम है। यहाँ पे स्टॉक सिर्फ सिंगल 10% ही जंप किया, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 10% का मूवमेंट था बट वॉल्यूम्स कितना था, 11 करोड़ का वॉल्यूम था। बट अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 10% भागा है बट वॉल्यूम्स इतना है नहीं, तो मतलब तेज़ी तो आई है बट मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। ऐसे में इरकॉन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, फिबोनाची में हम देख लेते हैं क्या इरकॉन यहाँ से बुलिस हो जाएगा। देखिए बुलिस कब होगा इरकॉन वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बुलिस ये कब होगा जब ये 0.5-0.618 के गोल्डन रेशियो को ब्रेक करेगा। अभी तक ये स्टॉक प्रेशर में है, बुल ऐसे करके ऐसे डाउन भी जा सकता है। वेरी बुलिस कब होगा, 307 रुपये का रेजिस्टेंट है, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद 317 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक क्या करेगा, 340-350 के लेवल्स दिखाएगा, बस यही चीज़ है। तो इरकॉन में यहाँ पर मेरा व्यू यही है, 317 का लेवल टूटा तो ये 360 से पहले रुकेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अभी के टाइम इरकॉन में अपनी एंट्री है 280 रुपीज़, 20 रुपीज़ का मुझे अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, जिसने भी मेरे व्यू के हिसाब से जो भी चले उनको अभी भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से नॉर्मली मैं 280 का SL तक के 320 एंड 340 तक का वेट करूँगा। थैंक यू। बट सिंपल यही है कि मैं कोई ओवरबॉट पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा, यानी ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से, वीडियो में इन्फ्लुएंस होकर कोई बाय एंड सेल न करें।